हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड ऑफ माय न्यू सीरीज दैट इज कोचिंग पे चर्चा। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ पीडब्ल्यू चंडीगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्स, पीडब्ल्यू की चंडीगढ़ ब्रांच जो उनका विद्यापीठ टाइप से होता है, उसका फास्ट ट्रैक कोर्स के बारे में जो रिव्यू आया है मेरे पास मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में। तो कोचिंग पे चर्चा क्या है, इसमें मैं हर एक कोचिंग के बारे में डिस्कस करता हूँ कि उस कोचिंग के बारे में वो जो भी जिस बंदे ने भी जिस स्टूडेंट ने मुझे रिव्यू भेजा है वो रिव्यू मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि उस कोचिंग के बारे में वो ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों तक पहुँच सके एंड इस तरह से उस कोचिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो सके। अगर कोई आने वाला स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेना चाहता है तो उसको ऑलरेडी पहले से पता हो कि वो कोचिंग में क्या क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। मेरे पास रिव्यू है, ये मैं अपने आईपैड से आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो ये शुरू करते हैं। ये जो रिव्यू आया है मेरा, ये है रिव्यू ड्रॉप ईयर के लिए जो 2022-23 में उसका था स्टूडेंट का। आई वॉज इन पीडब्ल्यू चंडीगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्स ड्यूरेशन अक्टूबर से मार्च। टीचर्स वेर एक्चुअली गुड एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस इंस्टीट्यूट, सो दे वेर काम एंड नॉट सो इगोइस्टिक। हमारी रिक्वेस्ट पर टीचर चेंज भी किया गया था एंड दोबारा रिक्वेस्ट पर सेम टीचर को वापस भी लाया गया था। डाउट्स के लिए नीचे अलग से बेसमेंट था, टीचर्स डाउट भी अच्छे से बताते थे। क्लास में क्वेश्चंस का आंसर ना देने पर टीचर्स इंसल्ट नहीं करते थे, एट द सेम टाइम दूसरा क्वेश्चन पूछते थे या सेम क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझाता था। जूलॉजी टीचर वॉज एक्चुअली टू गुड, बट उन्हें इस ईयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया। बट टीचर को इतना एक्सपीरियंस नहीं था, स्पेशली बॉटनी वन। केमिस्ट्री सर काफ़ी मिस्टेक्स करते थे और फिजिक्स वाले सर को सिर्फ सैलरी से मतलब था, बट पढ़ाता अच्छा था। मॉड्यूल्स इतना अच्छा नहीं था फास्ट ट्रैक वाला। बेस्ट थिंग इस बच्चों का सेपरेट बैचेस नहीं बनाए जाते थे वहाँ पर। जो बच्चा जिस बैच में चाहे एवरेज है या टॉपर, सेम बैच में ही रहेगा। कैंटीन अवेलेबल है, समोसा अच्छा मिलता है वहाँ, समोसा प्रेमी वहाँ जा सकते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स भी अवेलेबल है। कुछ टीचर्स है इगोइस्टिक, बट मेरे बैच के टीचर्स अच्छे थे, स्टूडेंट्स भी अच्छे थे वहाँ। सेल्फ स्टडी रूम इज़ अवेलेबल, तुम चाहो तो दूसरा बैच के बच्चों से बात कर सकते हो। बट समटाइम्स बार बार सेल्फ स्टडी रूम चेंज करने को बोलता था आफ्टर एवरी वन आवर। वैसे तो अच्छा था सेल्फ स्टडी रूम, शांति बनी होती है। लैपटॉप आईपैड भी अलाउड थे ऑनलाइन लेक्चर्स देखने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑल्सो गुड, स्मार्ट बोर्ड भी काफ़ी बड़ा लगा है। वॉशरूम्स वेर ऑल्सो क्लीन, पीजीज आर ऑल्सो अवेलेबल। पीडब्ल्यू चंडीगढ़ वॉज ओवरऑल गुड, बट यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। सो ये एक रिव्यू आया है अपने पास पीडब्ल्यू विद्यापीठ चंडीगढ़ ब्रांच के लिए, ठीक है। और वो रिव्यू मैंने आपको जैसा का वैसा पढ़ के सुनाया है। गाइज, अगर आप भी कोई अपना रिव्यू भेजना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएंगी, उसमें जाके आप अपना रिव्यू जरूर दे सकते हो और जरूर दीजिए। मैं चाहूँगा कि आप अपना रिव्यू दो और मैं उसको आगे चल के पब्लिश करूँ, जिसके कारण आपकी कोचिंग के बारे में भी बाकी लोगों को पता चल सके। डजंट मैटर कि वो छोटी कोचिंग है या बड़ी, मैं लोकल से लोकल और मतलब नेशनल से नेशनल कोचिंग सभी को कवर करने वाला हूँ, करूँगा। अगर आप नीट की एग्जाम देने वाले हैं और मेरे पर्सनल प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ऑफकोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर आप जरूर ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें मैं थ्रू आउट द ईयर आपको गाइड करता रहूँगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए और अपना रिव्यू भी जरूर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड टेक केयर।